तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और देखो मुझे पता था ये लोग बाहर ही बैठे होंगे, है ना। ये देखो बाहर ही बैठे हुए हैं सब लोग लाइन से, इनको चाहिए सुबह का ब्रेकफास्ट, इसलिए ब्रेकफास्ट के लिए ये लोग बैठे हुए हैं सुबह सुबह ही। ये देखो कैसे छुप रहा है छोटू वाला। हाँ अभी मिलेगा, चलो बाहर जाओ। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी की सब्जी, और अरबी की सब्जी मैं बॉईल करके बनाऊंगी। इसको मैंने कोरोना काल में धो लिया है 5-6 बार। पता नहीं है कैमरा मेरा कैमरे पे धुंधला क्यों आ रहा है, गंदा हो रहा है लगता है कैमरा। हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये अरबी बना देती हूँ मैं, ऐसे नहीं डलेगी, ऐसे डालू। उबाल के मैं इसको बनाऊंगी, और उबालने के बाद मैं इसमें छोंक लगाऊंगी। बहुत जल्दी उबल जाएगी ये, 1 सीटी में ही उबल जाती है। क्या करो। और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ अरबी छीलने के लिए। अरबी छीलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि छिलके बॉइल्ड है अरबी, और छिलके जो हैं चिपक गए हैं, तो मुझे नाइफ लेकर इसको हटाना पड़ रहा है। तो अरबी पूरी तरह से हाथ में चिपक गई है एकदम गम की तरह। और देखो मैंने छील ली है अरबी ये सारी की सारी, अब मैं इसे फ्राई करूँगी। ये देखो मैंने अरबी यहाँ पर छील ली है, और अरबी मैंने छीली है तो हाथ मेरे इतने चिकने चिकने हो गए थे। अभी मैं हाथ धोकर आई हूँ तब ठीक लग रहा है, बिल्कुल चिपचिपे हाथ हो गए थे। और ये देखो ये वाली जो अरबी है बहुत कच्ची थी, इसलिए मैंने इसको फेंक दिया, क्योंकि ये बहुत टाइट है। देखो चाकू से भी काटूंगी ना, कट नहीं रही है चाकू से भी। अरे बाप रे, इतनी टाइट हो रही है। तो अगर मैं इसको सब्जी में डाल भी देती हूँ तो ये ठीक से गलेगी नहीं, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया। अब मैं जा रही हूँ अरबी को फ्राई करने। मैं कुछ नहीं डालने वाली इसमें, सिर्फ मसाले ऑयल में डाले जाएंगे और अजवाइन डाली जाएगी बस, और जीरा हल्का सा डालूंगी, बाकी प्लेन ही अरबी बनानी है मुझे। यहाँ पर तैयार है मेरी अरबी उबली हुई, जिसको मैंने छील लिया है। और ये है हरी मिर्ची, और इसमें मैंने डाल दिया पानी, क्योंकि इसी में मैं मसाला डालूंगी, वरना जब मैं तेल में मसाला डालूंगी तो सारा एकदम से जल जाएगा। और ये है जीरा और अजवाइन, जिसको मुझे गरम तेल में डालना है, और मैं डालूंगी अभी। लेकिन इससे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ 1 टीस्पून धनिया, और हल्की सी मिर्ची, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे तो बच्चे तो ज्यादा स्पाइसी खाते नहीं, तो हल्की सी मिर्ची इसमें डालूंगी मैं। और इसमें डालना है मुझे थोड़ी सी हल्दी, और इसमें डालना है फिर मुझे थोड़ा सा नमक। और ये मैं ग्रेवी वाली बनाने वाली हूँ, तो नमक तो थोड़ा ज्यादा ही डलेगा, क्योंकि ग्रेवी में तो चाहिए ही सॉल्ट। और अब मेरा तेल हो गया गरम, मैंने गैस को कर दिया है बंद, क्योंकि जब मैं अजवाइन डालूंगी और जीरा तो वो जल ना जाए। तेल ज्यादा गरम करना है आपको, अच्छी तरीके से गरम करना है। तो ये मैंने डाल दिया इसमें अजवाइन और जीरा, अब ये हो रहा है फ्राई। जैसे ही हल्का सा ब्राउन होगा इसमें मुझे ये मसाला डालना है। तो ये हो गया है ब्राउन, मसाला इसमें डाल देती हूँ। अब देखो मैं इस मसाले को मुझे हिलाना है। हरी मिर्ची मैंने इसमें डाल दी, बाकी कुछ भी नहीं इसमें डाला जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से बनती है अरबी, और बहुत टेस्टी भी बनती है। अब मैं गैस को ऑन कर दूंगी ताकि मसाला पक जाए। मैंने गैस को बंद कर दिया था ताकि मेरा मसाला एकदम से जले ना। गैस को मैंने ऑन कर दिया है मसाले को पकाने के लिए। बस अब इसमें मैं अरबी डाल दूंगी। मैंने अरबी को इसमें डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। हो गया अच्छी तरीके से मिक्स, आप देखो और कितना अच्छा कलर आ गया। अब इसमें डालूंगी पानी, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उतना पानी आप डाल लो इसमें। याद रखना, अगर आप बहुत कम पानी डालते हो ना तो ग्रेवी इसकी जम जाती है बाद में, तो इसलिए आप पानी ज्यादा ही डालो थोड़ा। मुझे ज्यादा सूप ही पसंद है, काव्या भी सूप वाली खाती है। देखो कितना अच्छा कलर दिख रहा है इसका, और बहुत टेस्टी भी लगेगी ये, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है अरबी, मुझे बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड नहीं खाते इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ, और ये हमने बनाई है अपने लिए। तो मैंने इसको 1 सीटी में उबाला था, अब इसको अच्छी तरह से हम पकाएंगे ढककर। तो अरबी मैंने छोंक दी है, रोटी मैं पहले ही बना चुकी हूँ। अब ये सारे मसाले के डब्बे मैं रैक में लगा देती हूँ, जैसे मैंने उठाए थे वैसे के वैसे। स्पून ये किसकी है, रोटी क्या हुआ, ढक्कन क्यों नहीं लग रहा। देखो मैं हल्दी के डब्बे के ढक्कन को मिर्ची वाले में लगा रही हूँ, इसलिए ढक्कन नहीं लग रहा था। इसका ब्लू वाला है, क्या हो रहा है आज, ये वाला इसका ढक्कन है।
मसाले के डब्बे बंद कर रही हूँ ना, तो स्मेल से छींक आ गई। ये वो वाली छींक नहीं है जिससे डर लगे, ये मसाले वाली छींक है। तो ये डब्बे मैंने रख दिए, अब मैं नमक भी रख देती हूँ, नमक यहाँ रख देती हूँ क्योंकि थोड़ा कम लगेगा तो मैं डाल लूंगी उसको दोबारा। और ये अरबी के छिलके मुझे फेंकने हैं, अरबी के छिलके मैंने नहीं फेंके हैं, इसको एक पन्नी में डाल देती हूँ। ये है प्लेट जिससे ढककर मैं पका लूंगी इसको, अच्छे तरीके से पकाना है, अभी टाइम लगेगा इसको पकने में क्योंकि एक ही सीटी मैंने लगाई थी ना, इसलिए टाइम लगेगा। तो मैं इसको ढक देती हूँ, बच्चे खेल रहे हैं अभी, हमने किसी ने भी खाना खाया नहीं है, अब एक साथ ही खाना खाएंगे हम लोग। और लस्सी लाने का मन था लेकिन मैं भूल गई, अब 2:30 बज रहे हैं, दुकान बंद हो चुकी है, आज खाना भी हमारा बहुत लेट हो गया। और ये थोड़ा सा गंद हो गया गैस के पास, मैं इसको साफ कर देती हूँ, साथ के साथ ही यहाँ पर भी किचन में साफ कर देती हूँ जो भी थोड़ा गंदगी फैली है इधर उधर, बाकी तो सब साफ ही है। अरबी का कूड़ा मैंने पन्नी में डाल दूंगी, प्लेट में ऑलरेडी रख लिया है, हो गया पूरा सफाई यहाँ पर, अब अरबी बन रही है। कुकर का जो पानी है वो फेंक कर आती हूँ क्योंकि कुकर में जो मैंने अरबी उबाली थी वो पानी इसको खंगाल कर रख दूंगी, साफ ही रहेगा। ये मेरे घर के बाहर लग गई है राशन की बहुत लंबी लाइन रोड तक, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पता है क्या हुआ, इस बार महीने में 2-2 बार राशन मिल रहा है, ऑलरेडी राशन मिल चुका है, डबल राशन मिल चुका है, लेकिन फिर से गवर्नमेंट ने राशन शुरू कर दिया है, तो राशन अब डबल तो नहीं लेकिन सिंगल ही मिलेगा, लेकिन 2-2 बार मिलेगा। तो बहुत भीड़ हो रही है बाहर रोड पर, मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि, चलो मैं आपको दिखाती हूँ रोड पर कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, डिस्टेंस मेंटेन करके लाइन लगाई गई है, देखते हैं। लाइन लगी हुई है, मैंने वीडियो इस तरह से नहीं बनाई कि लोग जो खड़े हुए लाइन में वो देख लें, मुझे कहेंगे भाई मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ। आजकल लोग ऐसे है ना, मतलब कुछ का कुछ और समझ लेते हैं और वो सोचेंगे मैं पता नहीं क्यों वीडियो शूट कर रही हूँ, कोई कुछ बोले इससे बेटर है कि मैंने उनको पता ही नहीं चलने दिया कि मैंने वीडियो बना ली। रोड पर भीड़ लगी हुई है बहुत ज्यादा और डिस्टेंस मेंटेनिंग के लिए बोल रहे हैं लोग, लेकिन देखा आपने कि भीड़ एक जगह पे लगी हुई है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब राशन देना ही है आपको तो आप एक बार में दे दो ना सारा, जितना देना है एक महीने में एक बार का दे दो आप, तो वो बेटर रहेगा। आप एक ही महीने में 2-2-3-3 बार राशन बांट रहे हैं, भीड़ लगवा रहे हैं रोड पर, और हमारी जो लोकैलिटी यहाँ पर कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है, कोई गली ही शायद बची होगी जहां पर कोरोना वायरस ना हो। इस गली में हमारी नहीं है, गली बहुत छोटी है, रोड वाली गली है और राशन की दुकान कॉर्नर में है, तो वहां पर वहां से लेकर देखो आप मेरे घर तक लाइन लगी हुई है, जबकि 6-7 घर बीच में आते हैं। और इधर मम्मी की गली में भी, मम्मी के घर के सामने भी कोरोना वायरस निकला हुआ है, और जो भाई का प्लॉट बन रहा है उस वाली गली में भी कोरोना वायरस निकला हुआ है। यहाँ हमारे सामने गली है उसमें तो 10-12 पेशेंट निकले हुए हैं। कल बहुत सारी टीम भी आई थी, बहुत बड़ी, बहुत सारे लोग थे, 15-20 लोग थे कोरोना वायरस का जो चेकअप वगैरह करने आते हैं, जो उनकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं, विजिट करते हैं, जो कोरोना वायरस इफेक्टेड घरों में पॉजिटिव जहां केस निकले होते हैं वहां पर विजिट करते हैं, तो वहां पर लोग आए हुए थे। तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर राशन देना है तो यार एक बार में दे दो, इतना भीड़ लग रही है, इतना जमघट लग रहा है, तो इससे रिस्क हो सकता है, लोग इतना डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, सो रहे हैं। और मैंने देखा कि बच्चे भी आए हुए हैं राशन लेने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ, तो और ज्यादा रिस्क है। अभी मैंने इनको दूध ब्रेड दिया, देखो वहां पे ब्रेड भी पड़ी हुई है जमीन पे, निकाल के इन्होंने फेंक दी है। जब देखो चिल्लाते ही रहते हैं ये लोग, कैसे चल के जा रहा है।